हमारे 12 तो आपने सुना ही होगा और सब जानते ही होंगे, पर हम दो हमारे 12 सुनकर आप क्या कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यू अपकमिंग हिंदी फिल्म हमारे 12 की, जिसे डायरेक्ट कमल चंद्रा ने किया है और इसकी कहानी राजन अग्रवाल ने लिखी है, जो मुस्लिम धर्म को दर्शाती है। कहने को तो फिल्म समाज का एक आईना होती है, पर उस समाज के कुछ पहलुओं को एक फिल्म का डायरेक्टर और लेखक अपने रचनात्मक तरीके से फिल्म के जरिए दिखाता है। लेकिन समाज का एक पहलू जो हमारे 12 मूवी के जरिए दिखाया जा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा समाज का पहलू इस फिल्म के द्वारा दिखाया जा रहा था जिसकी रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है? फिल्म हमारे 12, इसमें अन्नू कपूर मंजू अली खान का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जिसमें उनकी पहली पत्नी चाइल्ड बर्थ के दौरान खत्म हो जाती है। पहली पत्नी के देहांत के बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं और उनसे भी कई बच्चे करते हैं, और फिर दोबारा वो पत्नी एक बार फिर प्रेग्नेंट कर देते हैं अपनी जिद की वजह से, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और ये उसकी सौतेली बेटी अल्फिया को मंजूर नहीं होता और वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और ये मामला कोर्ट तक लेकर जाती है। इसके टीजर और ट्रेलर को देख हाई कोर्ट और लोगों का कहना है कि इसमें इस्लामिक मान्यताओं और धर्म को बहुत गलत ढंग से दिखाया जा रहा है और इसमें महिलाओं का चित्रण भी गलत ढंग से दिखाया जा रहा है। कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें ऐसा भी दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी उनकी खुद की नहीं होती, वो सिर्फ अपने पतियों की गुलाम होती हैं और उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। मुसलमानों धर्म ज़्यादा अत्याचार होता है मुसलमान धर्म में, जिसके चलते हमारे 12 मूवी को कर्नाटक में बैन कर दिया गया है और कहा कि ये मूवी धर्म जात की वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, जो कि बहुत गलत होगा। तो वहीं महाराष्ट्र में भी मूवी को बैन कर दिया जाता है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि इसके 2 डायलॉग को हटाना होगा, अगर 2 डायलॉग नहीं हटाए गए तो ये मूवी को बैन कर दिया जाएगा। इस मूवी के बचाव में अन्नू कपूर बोलते हैं कि मैं एक कलाकार हूँ, मैंने इसमें रोल प्ले किया है, इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो धर्म जात के अगेंस्ट हो, महिलाएं कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए और ये भारत में होता है। ये मूवी महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण, बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या को दर्शाता है, तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर देखें। तो अब जानना ये रहेगा कि क्या हाईकोर्ट हमारे 12 मूवी को रिलीज़ होने की इजाज़त देगी, और अगर हमारी 12 मूवी रिलीज़ होती है तो इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे जुड़े हुई और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं गीत, विद कैमरा पर्सन आदित्य, BU1 न्यूज़।